ये सेटेलाइट है, अर्थ है, और अर्थ के यच हाइट पे यहाँ पर कोई सेटेलाइट है, ठीक है, दिस इज द हाइट, ठीक है, ए सेटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अब ये जो सेटेलाइट है, मास एम है सेटेलाइट का, और वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस। ये जो हाइट है वो एच ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, और ये हाइट हम सबको पता है ये रेडियस होता है, ठीक है। चलो तो कहता है टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इन टर्म ऑफ जी नॉट, जी नॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। जी नॉट जो है वो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे। तो इसके टर्म में मुझे टोटल एनर्जी निकालना है, तो जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, सेटेलाइट की टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है। ये कभी नहीं सही हो सकता, ये कभी नहीं सही हो सकता, इसके सही होने के कोई भी कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये एक बच्चा है कि इस क्वेश्चन को करेगा, ठीक है, एक बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, और एक बच्चे को फार्मूला ही याद है कि सेटेलाइट का जो एनर्जी होती है, सेटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच है, आर प्लस एच है। ये वो बच्चा है जिसको पूरा का पूरा फार्मूला याद है, जो रट के गया फार्मूला। तो ये इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू, जी एम इज इक्वल टू होता है, जी एम इज इक्वल टू, जी एम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, जी एम इज इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा जी नॉट आर स्क्वायर एम और आर प्लस एच, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर देगा, माइनस माइनस जी एम आर नॉट स्क्वायर टू, ये मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। ओ सॉरी, यहाँ टू भी होता है ना प्यारे बच्चों, तो ये टू। तो ये एक बच्चा वो है जो ये फार्मूला याद करके गया, और एक बच्चा जिसको फार्मूला याद नहीं है, तो ये क्या करेगा, टोटल एनर्जी लिखेगा। कैसे लिखेगा, इसका काइनेटिक लिखेगा, इसका पोटेंशियल लिखेगा, ठीक है, कर लोगे। इसका टोटल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच, दिस इज द, ये वो बच्चा है जिसको फार्मूला याद करके नहीं गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर भी क्या है, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी सेटेलाइट की क्या होती है, तो जी एम ओवर आर होती है अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर जी एम ओवर आर क्या बनेगा, तो हाफ एम और जी एम और ये आर प्लस एच बनेगा, और माइनस जी एम एम और ये आ जाएगा आर प्लस एच। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो टू से वो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो माइनस जी एम 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 ओवर टू आर प्लस एच, ठीक है। इसने क्या किया, टोटल एनर्जी निकाल लिया। अब इसको जी देखो, यही आ गया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब ये जब इस फॉर्म में आ गया, तो अब मुझे इसको लिखना है, तो माइनस माइनस जी नॉट जी नॉट जी नॉट आर स्क्वायर एम और आ जाएगा टू आर प्लस एच इसके टर्म में, दैट इज द ई ऑप्शन सही है। तो ये बच्चा है जो कॉन्सेप्ट इस आता है, ये वो बच्चा जो याद करके गया है, और ये ज़्यादा चतुर है, ज़्यादा अच्छा है।